नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओआरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह स्टेट पीसीएस करंट अफेयर सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो आ चुकी है, उसका लिंक जो है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग पहली वीडियो ना देखें वो लोग पहली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने किन चार राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को अरावली में नए खनन पट्टे और नवीनीकरण देने पर जो है रोक लगा दी है। आप लोग सामने ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है चार राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को जो है अरावली में नए खनन पट्टे और नवीनीकरण देने पर जो रोक लगाई है, उन राज्यों में आपका दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। और अरावली पर्वत जो है यह प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और इसका जो सर्वोच्च चोटी है वो आपका गुरु शिखर है। यह कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, गुरु शिखर जो है यह अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, भारत और नेपाल ने अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट विद्युत के निर्यात के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण भारत तथा नेपाल दोनों देशों के मध्य आयोजित होता है। नेपाल 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 2 सही है या सभी सही है? इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। अभी हाल ही में जो है भारत और नेपाल ने अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यात के लिए जो है दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते पर जो है हस्ताक्षर हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि भारत और नेपाल के बीच जो है जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम सूर्य किरण है। अभी हाल ही में जो नवंबर दिसंबर में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड में इसका 17वां संस्करण जो है आयोजित किया गया है और यह जो है प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, नेपाल जो है भारत के टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आप लोग आसानी समझिए, इस मैप का प्रयोग किया गया है। यह आपका नेपाल है, नेपाल जो सीमा लगती है आपके उत्तराखंड से लगती है, यह अपना उत्तर प्रदेश है, फिर यह आपका बिहार है, फिर यह पश्चिम बंगाल जो यहाँ से जाते हुए यहाँ पश्चिम बंगाल और यह सिक्किम इसके ऊपर ही बैठा हुआ है यहाँ पर। तो टोटल जो है 5 राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। तो इसको जो इसके जो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न, लोग सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। हाल ही वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य होते हैं। केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 सही है, केवल 1 और 2 सही है या सभी सही है? अभी हाल ही में जो है 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं यह अरविंद पनगड़िया नियुक्त किए गए हैं। इसका जो पहला स्टेटमेंट सही है और यह जो है नीति आयोग के जो है पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं और वित्त आयोग के गठन संबंधी जो प्रावधान का जो वर्णन है वो हमारे आर्टिकल 280 में निहित है। और पहले वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वह वर्ष 1991 में किया गया था और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वे केसी नियोगी जो है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, भी आपके स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो है वित्त आयोग में टोटल जो है 5 सदस्य होते हैं जिनमें 1 चेयरमैन होते हैं और 4 आपके अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का जो गठन है वह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर इसका गठन करते हैं और यह जो वो वार्षिक अपनी रिपोर्ट है यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के मध्य जो है रखवाता है रिपोर्ट को। तो इसके जो पहला दूसरा जो स्टेटमेंट है वह आपका सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न, लोग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किसका है?
तिरयानी, कुमरम भीम, कौसाम्बी, रायगढ़ा या मस्की है। सबसे पहले जो यह रिपोर्ट जारी की है वह नीति आयोग ने जारी की है। नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की जो है रिपोर्ट जारी की है और इसकी जो पहला डेल्टा रैंकिंग जारी की है इसमें जो पहला स्थान है यह तेलंगाना का आसिफाबाद ब्लॉक का जो है तिरयानी कुमरम भीम जो ब्लॉक है इसे इसमें पहला स्थान मिला है और इसमें उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहा। इसमें उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी ज़िले का जो कौसाम्बी ब्लॉक है ये दूसरे स्थान पर रहा। पहला स्थान आपका तिरयानी कुमरम भीम रहा, दूसरे स्थान अपना कौसाम्बी रहा। और यह जो डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है यह नीति आयोग द्वारा इसकी डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ 10 मई से यूपीपीएससी प्रिलिम्स 2024 का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो क्रैश कोर्स आपका दोनों भाषाओं में है। यूपीपीएससी 2024 प्री ओनली करंट अफेयर का जो हमारा ग्रुप है वह 2000 रुपये का है। टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो फीस है आपका 5000 रुपये है। फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप आपका 9000 रुपये है। फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप होगा और साथ और जो है बिना डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप आपका 6500 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज की जो फीस आपकी 4000 रुपये है। और यूपीपीएससी 2024 ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप आपका वो 3500 रुपये है। इसमें आपको 40 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 20 आपके फुल टेस्ट होगा और 20 आपका सेक्शन वाइज टेस्ट होगा। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप आपका 1200 रुपये है। इन पेड ग्रुप में से कोई भी पेड ग्रुप आप लेना चाहते हैं ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी, इसमें भी भारत के प्रधानमंत्री को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्योल्पो प्रदान किया गया है। भारत भूटान के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कोकराझार गलीफू और बनारहाट समस्या नामक दो रेल लिंक स्थापित किए जाएंगे। एक सही, दो सही, दोनों सही या ना तो एक ना ही दो सही है। पहला जो स्टेटमेंट ये आपका सही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्योल्पो है यह प्रदान किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। भारत और भूटान के बीच दो रेल लिंक स्थापित किए जा रहे हैं, एक जो आपका असम के काकरापार, दूसरा आपका भूटान के जो है गलीफू जगह है उसके मध्य स्थापित हो रहा। दूसरा जो आपके पश्चिम बंगाल में एक बनारहाट जगह है और भूटान के समस्या इन दोनों के बीच जो है रेल लिंक स्थापित किए जाएंगे। तो यह दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। परीक्षा में आपको जो है इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर प्रश्न आपको स्टेटमेंट में मिलेंगे और उसमें भी आप देखेंगे कि स्टैटिक और करंट दोनों मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विश्व पुस्तक मेला 2024 संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इसे हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है और मेले के लिए कुवैत को अतिथि देश बनाया गया था। 1-3, 2-3, 1-2 या सभी, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। विश्व पुस्तक मेला 2024 जो आयोजित किया गया है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला, यह भी स्टेटमेंट सही है। मेले के लिए जो अतिथि देश बनाया गया था कुवैत नहीं बनाया गया था बल्कि सऊदी अरब को अतिथि देश बनाया गया था। सऊदी अरब जो है यह अतिथि देश था। इस प्रकार जो है पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है और यह जो आयोजित किया गया था 10 से 18 फरवरी 2024 के मध्य से आयोजित किया गया था नई दिल्ली में और इसकी जो थीम रखी गई थी बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा इसकी थीम रखी गई थी। इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 9 से 10 फरवरी 2024 तक किस देश में आयोजित हुआ? भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या अमेरिका? तो इसका जो आयोजन है यह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन किया गया था। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 9 से 10 फरवरी 2024 को। इससे पूर्व जो 6ठा जो आयोजित किया गया था वह आपका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वापस सही है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयालोक लोकन। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। रामचरितमानस की जो रचना है वह तुलसीदास जी ने की है। पंचतंत्र की रचना विष्णुगुप्त ने की है और सहृदयालोक लोकन की रचना जो है आचार्य आनंद वर्धन की है। और अभी हाल ही में आप लोग पेपर न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे कि यूनेस्को की
मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में जो है इन तीनों चीज़ों को शामिल किया है, इन तीनों चीज़ों जो है शामिल किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वापस सही है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग दो स्टेटमेंट दिया गया है, सही स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी है। भारत को तिब्बत के स्थिति में बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हाल ही मिल गया है। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए 10 साल के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एक सही, दो सही, दोनों सही या तीन में से कोई नहीं सही है। पहला जो स्टेटमेंट वो गलत है, क्योंकि भारत को संचालित करने का जो अधिकार मिला है सितवे बंदरगाह, सबसे पहली बात ये तिब्बत में नहीं है, तिब्बत में नहीं है सितवे बंदरगाह, बल्कि यह जो है आपके सितवे बंदरगाह तिब्बत में है। तो जो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, भारत को जो सितवे बंदरगाह संचालित करने का अधिकार मिला है यह आपके म्यांमार में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट यह आपका सही है, भारत और ईरान ने जो है चाबहार बंदरगाह संचालन के 10 साल का एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। भारत जो है काफ़ी दिनों से इसके लिए काफ़ी प्रयासरत रहा और उसका परिणाम भारत के पक्ष में ही रहा, जिससे भारत को संचालन करने का मौका मिला है। यह भारत की जो विदेशी नीति का काफ़ी अच्छा प्रभाव है कि सितवे बंदरगाह और चाबहार बंदरगाह पर जो है भारत को संचालन करने का अवसर मिला है, यह भारत के लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसका जो ऑप्शन बी है केवल दो, ये आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान के संदर्भ में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। यह उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, यह जंगल की आग को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। एक सही, दो सही, दोनों सही, इनमें से कोई नहीं सही है। पिरुल लाओ पैसा पाओ जो अभियान है, यह अभी आप लोग पेपर के माध्यम से देखे होंगे, जो उत्तराखंड में बराबर आग लग जा रही है उसी को रोकने के संदर्भ में जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, और यह जो है जंगल की आग को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। बड़ी संख्या में पिरुल इकट्ठा करके जो है लोग सरकार को देंगे, और सरकार जो है 50 रुपये प्रति किलो के दर से जो है इसे लेगी, और इस पर सरकार उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तराखंड सरकार को काफ़ी जो फटकार लगाई है। पिरुल जो है ये चीड़ की पत्ती होती है, इससे जो है चीड़ की जो पत्ती होती है आग लगने की काफ़ी जो है सुगमता होती है, और यही कारण है जो जंगल में काफ़ी तेज़ी से आग लग जाती है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने जो है टोटल 50 करोड़ का जो है बजट रिलीज किया है। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।